20-25 लाख रुपए छोटा अमाउंट नहीं होता है, ठीक है। इंडिया में आपको सालों लग जाते हैं इतना पैसा कमाने में। यूके मूव होने के बाद में इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बहुत सारी लड़कियों के मैसेजेस आते हैं, बोलते हैं कि हम आपकी इंस्टाग्राम पर असाइनमेंट्स में हेल्प करेंगे और हमें सारा कुछ नॉलेज है, सारा कुछ सपोर्ट हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये लोग फ्रॉड ही होते हैं मोस्टली, तो पैसे ले लेते हैं और आपको असाइनमेंट में कोई हेल्प नहीं करते, और देते भी है तो कॉपी पेस्टेड चीज़ें दे देते हैं, जिससे कि आपको प्लेजरिज्म आ जाएगा, आप फेल हो जाओगे और यूनिवर्सिटी आपको निकाल भी सकती है, वीज़ा भी कैंसिल हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको भुगतनी पड़ सकती है अगर आप असाइनमेंट्स बाहर से बनवाते हो। मैं तो कभी रिकमेंड नहीं करता किसी को कि आप अपना असाइनमेंट बाहर से बनवाओ, लेकिन इन केस अगर आपको कुछ पता चल नहीं रहा है कि क्या करना है, आप नए नए मूव हुए हो, आपकी स्टडी का जो पहले का सिस्टम था वो पूरा डिफरेंट था, और यहाँ पर अगर आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो आप, मैं तो ये रिकमेंड करूँगा क्लासेस लो, दोस्तों से पूछो, आपको जो एग्जांपल्स होंगे बहुत सारे, क्या होते हैं ना कि जो आपके मॉड्यूल्स होते हैं उनमें एग्जांपल असाइनमेंट्स होते हैं, तो उनको देखो और समझो कैसे क्या बनाना है, और अगर फिर भी कुछ समझ में ना आए तो आपके जो सीनियर वगैरह किसी से भी आप हेल्प लो ना, तो फिर भी उनमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखो कि आपकी जो साइटिंग हो वो एकदम प्रॉपर हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसी हेल्प लिया जो भी किया ऐसा वैसा चेप दो या जो भी है, आप उसको साइटिंग वगैरह देखो, उनके रेफरेंसेस देखो कि क्या है उनमें और कैसे होना चाहिए। जैसे कि मोस्टली यूके की यूनिवर्सिटीज़ में हार्वर्ड रेफरेंसिंग स्टाइल जो होती है ना वो फॉलो की जाती है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपको कौन सी रेफरेंसिंग स्टाइल है और क्या आपने वही यूज़ करी है। फिर उसके बाद में आपको कॉन्टेक्स्ट क्या बोलते हैं वो जो टेबल होती है, कॉन्टेंट टेबल, वो भी उसके भी मार्क्स होते हैं कई बार, आपका फ्रंट पेज, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, आपका जो अपेंडिक्स है उसमें क्या क्या एडिट करना है वो सब सारी चीज़ें आपको एकदम अच्छे से पता होनी चाहिए। ब्रीफ को अच्छे से पढ़ो 2-4 बार और उसके हिसाब से अपना जो जितना भी मटेरियल है वो उसको यूज़ करो। प्लस आपका जो कंटेंट है वो एकदम अच्छा लिखना अच्छा होना चाहिए, ग्रामर जो उसकी जो मिस्टेक्स है वो नहीं होनी चाहिए। आप उसके लिए जो ग्रामरली वगैरह टूल्स यूज़ कर सकते हो बहुत सारे होते हैं, प्लेजरिज्म चेकर भी यूज़ कर सकते हो, और हमेशा ट्राई करो कि जो सबमिशन की जो डेट होती है ना उससे कुछ दिन पहले, जैसे कि 1 हफ्ते पहले आप उसको अपलोड करो। क्या होता है ना, कई बार जो एक्चुअल सिमिलैरिटी होती है वो आपको उसी टाइम नहीं पता चलती है, कई बार आपको दूसरे दिन या तीसरे दिन वो एक्चुअल सिमिलैरिटी बताती है। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया था कि जब उसने अपलोड करा था तब 7% सिमिलैरिटी थी, और जब उसने उसको जब बाद में प्लेजरिज्म आ गया उसको पता नहीं था कि क्यों आया, जब उसने देखा तो उसमें 70% थी, ठीक है। अब ये 71% थी, तो उसका खाली 29% का जो था ना वो उसका एक्चुअल उसको मार्किंग उसकी मिली है, बाकी उसके ऊपर प्लेजरिज्म आ गया। तो ये भी होता है। अब आपको क्या करना है कि पहले जब आप करते थे ना 1 हफ्ते पहले, तो आपको 2-3 दिन बाद में जब आप देखोगे तो आपको एक्चुअल सिमिलैरिटी और आप श्योर हो जाते हो कि हाँ भाई अब मेरे को सिमिलैरिटी ज़्यादा नहीं आएगी, और अगर ज़्यादा होती है तो आपके पास टाइम रहता है ना कि आप उसको चेंज कर दें। बाकी अगर आप एंड टाइम पर अगर आप अपलोड कर रहे हो फिर अगर आपको 2-3 बार ज़्यादा सिमिलैरिटी भी दिखाई तो आपके पास कोई चांस नहीं है कि आप उसको वापस एडिट करके अपलोड कर पाओ, ठीक है। और मैं तो ये कहता हूँ कि अभी तो क्या होता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो कई बार प्रोफेसर ये भी बोल रहे हैं, स्टूडेंट बोल रहे हैं कि उनको प्रोफेसर ये बोल रहे हैं कि हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, लाइक वो फीडबैक नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनकी बात भी सही है, 100-200 स्टूडेंट है तो किस किस को फीडबैक देंगे, ठीक है। तो आप क्लासेस अच्छे से लोगे तो वैसे ही बहुत सारी चीज़ें तो वहीं पर कवर हो जाती हैं। अब होता क्या है कि ऐसे में आपको क्या करना है कि अगर आपकी क्लासेस आपकी क्लास में अगर कम बच्चे हैं, लाइक आपके स्टूडेंट आपके जो साथ में हैं वो कम हैं, तो आप ईमेल करो प्रोफेसर को और उनसे फीडबैक लेने की कोशिश करो। जब आप फीडबैक लेते हो प्रॉब्लम्स होती है ना वहीं पे सोल्व हो जाती हैं, लाइक आपको पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ गलत है कौन सी, वो वैसे भी प्रोफेसर मना कर देगा कि क्या आपको रखना है क्या नहीं रखना है, ठीक है। ये तो हो गया प्लेजरिज्म की बात। इससे बहुत सारे लोग फेल हो रहे हैं और उनके वीज़ा कैंसिल, मेरे खुद के जो फ्रेंड हैं 2-3 उनमें से भी 2-3 जने फेल हो गए, वो वापस PSW अप्लाई कर ही नहीं सकते, उनको इंडिया जाना पड़ रहा है। 20-25 लाख रुपये छोटा अमाउंट नहीं होता, ठीक है। इंडिया में आपको सालों लग जाते हैं इतना पैसा कमाने में। अब आगे बात करने से पहले मैं आपको अकोमोडेशन के बारे में एक अपडेट दे देता हूँ। अकोमोडेशन की अपडेट ये है कि जिन लोगों ने अभी तक जेनविनटे के लिए जो आ रहे हैं, जिन लोगों ने अभी तक अकोमोडेशन बुक नहीं करे हैं, वो जल्दी से जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर जाके अपना अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि आपकी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है वहाँ पर, और फिर आप जो जैसे यूनिवर्सिटी का नाम उसमें डालोगे तो आपको जो आसपास के जितने भी अकोमोडेशन है स्टूडेंट अकोमोडेशन वो वहाँ पर शो हो जाएंगे। अब मैं आपको ये इसलिए करने का बोल रहा हूँ क्योंकि आपको अकोमोडेशन ज़्यादा महंगे होने वाले हैं और बाद में हमें मिले ना मिले, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग जब इनबॉक्स में मैसेज करते हैं कि हमें अकोमोडेशन चाहिए या फिर जो कमेंट करते हैं, तो फिर उस टाइम मैं कुछ बता नहीं पाता। आपको यही कि फेसबुक पे आप सर्च करो वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अगर फेसबुक जो कपल होते हैं उनका तो चलो ठीक है, मैं समझता हूँ कि उनको अपने हिसाब से वैसा घर चाहिए होता है, तो वो भी फेसबुक ग्रुप्स में वगैरह ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी जो लेटिंग एजेंसीज होती हैं उनसे। और बाकी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा एम्बर स्टूडेंट्स के साथ जाओ आप, क्योंकि एम्बर स्टूडेंट एक ऐसा मतलब लाइक रिलायबल और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप जाके कुछ भी
लाइक अगर आप कोई भी घर वगैरह बुक करते हो आप 6-7-8 महीनों के लिए, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको हर फ़ोन पे हर एक चीज़ अवेलेबल हो जाती है, उनकी सर्विस बहुत अच्छी है, और साथ ही साथ आपको पेपर वर्क वगैरह का भी कोई लोड नहीं, आप जस्ट फ़ोन करो उनको बोलो वो सारा रेडी कर देंगे, आपको ऑनलाइन सिग्नेचर करना है और आप जैसे ही यहाँ पे यूके आओगे इंडिया से आपको वो लोग की हैंड ओवर कर देंगे। अब बात करते हैं कि प्लेजरिज्म और ये सब आ रहा है तो मेन जो मैंने अभी चीज़ें बताई ठीक है, तो साइटिंग वगैरह का इन सब का ध्यान रखो, आप रेफरेंस कैसे देने हैं और उसका जो स्ट्रक्चर है, पहले के एग्जांपल्स आप जब देखो कि पहले के एग्जांपल्स कैसे बने हुए हैं तो आपको आइडिया मिलेगा कि आपको भी किस तरीके से काम करना है। कई लोगों के प्लेजरिज्म ऐसा भी है कि उनकी गलती नहीं होती फिर भी आ जाते हैं, उस केस में उन लोगों को क्या करना चाहिए, उन लोगों को ऐसा करना चाहिए कि उनको एक यूनिवर्सिटी को लेटर लिखना चाहिए जिसमें आप उनको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करो कि मैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, मेरे लिए ये सारा का सारा सिस्टम बिल्कुल नया था, मैंने कोई इंटेंशनली इसमें कुछ कॉपी पेस्ट नहीं करा है, और बोलो कि आपका जो काम है वो सब आपने खुद किया है। अगर आप कुछ प्रूफ दे सकते हो उनको, जैसे कि आप जब बना रहे हो उसमें उस बीच में आपने कुछ रिसर्च करी होगी तो वो सारा भी उसमें चेप सकते हो, तो उसमें मेंशन कर दो और उनको बोलो कि इसके ऊपर मेरा जो है ना आगे का करियर वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, अगर मैं फेल हो गया या फेल हो गई तो मेरे को मेरे बहुत सारे फाइनेंशियल नुकसान तो हो गई, क्योंकि मैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, मैं नहीं चाहूँगा कि मैं फेल हो जाऊँ, मैं अगर फेल हो गया तो मेरे को वापस मेरी होम कंट्री जाना पड़ेगा, तो ऐसा तो नहीं है ना कि मैं जानबूझ के मैं ऐसा कुछ करूँगा जिससे मेरे करियर के ऊपर कुछ लफड़ा पड़े, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें इमोशनली उनको समझाओ, तो जो पढ़ेगा ना बंदा उसको भी लगेगा कि हाँ यार इंटरनेशनल स्टूडेंट है और कौन चाहेगा कि वो फेल हो जाए। तो फिर क्या होता है ना कि इस केस में बहुत सारे लोग जो होते हैं प्रोफेसर होते हैं वो लोग बैठ के डिस्कस करते हैं और आपको एक मौका दे देते हैं, और फर्स्ट जो प्लेगरिज्म आता है उसमें वो मोस्टली आपको छोड़ देते हैं, इतना कुछ उसका लोड नहीं होता है, लेकिन जब यही चीज़ रिपीट हो जाती है दूसरी या तीसरी बार आ जाती है तो फिर वो लोग इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। तो यार ध्यान रखो ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, वीडियो को एक बार वापस देख लेना अगर कोई चीज़ मिस हो गई हो तो, लेकिन ध्यान रखना क्योंकि प्लेगरिज्म की वजह से बहुत सारे लोगों के लाइक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो मैं ये चाहता हूँ कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले और ये कुछ चीज़ें ऐसी गलतियाँ हैं जो करने से बचें। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो शेयर कर दो। थैंक यू।